अगर आप कह रहे हो कि सारी सुरक्षा हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी प्रोटेक्शन है, सारी फोर्स लगी हुई है, बट एटलीस्ट दिखना भी तो चाहिए ना। हिंदुस्तान और हिंदू के लिए जो बीजेपी कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। अगर स्वाभिमान से जीना है तो सिर्फ बीजेपी को वोट करना है। एनर्जी के राज्य में जनता सुखी है, नहीं तो क्यों उनकी ये दोबारा इतनी 102 सीटें कम क्यों आई? घर में 10 परिवार होते हैं, 10 सदस्य होते हैं और एक मालिक होता है। जब एक मालिक उस 10 सदस्य को खुश नहीं कर सकते हैं तो इतनी बड़ी जनता को सबको एक तरफ से कोई नहीं खुश कर सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बयान में बीजेपी पर हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा है कि राज्य में फैली हिंसा का सीधा सीधा जिम्मेदार खुद बीजेपी है। तो क्या बीजेपी इसका जिम्मेदार है? साथ ही लोगों का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से। 110% बीजेपी उसमें हर हालत में शामिल है और बीजेपी का जो डिक्टेटरशिप है वो बीजेपी जो एक तरफा राजनीति करती है, बदले की राजनीति करती है, वो गलत करती है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि बीजेपी की वजह से वहां दंगे फैले? क्या नहीं होता, बीजेपी एक चीज़ मुझे बताइए, छोटी से छोटी बीमारी भी आई थी हिंदुस्तान में, उस समय बंगाल की तरफ से प्लेग भी हुआ, हर चीज़ हुआ, कहीं पे कोई लॉकडाउन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, एक छोटी सी बीमारी इन्होंने एक स्कैम खड़ा करने के लिए इन्होंने लॉकडाउन खड़ा किया। और आज की डेट में एक चीज़ मुझे बताइए, सिलेंडर का भाव पहले आराम से 300-400 में आराम से सिलेंडर मिल जाता था और आज की डेट में सिलेंडर का भाव देखिए कहाँ जा रहा है। आप खुद देखिए, एक नॉर्मल आदमी की रसोई नहीं चल पाती है मैडम। लेकिन ममता बनर्जी क्या सब व्यवस्था कर रही है वहाँ की जनता के लिए? ममता बनर्जी उनको लेके एक ही बात बोलूँगी, जैसे हम इंदिरा गांधी जी को कहते थे ना कि वो एक आयरन लेडी के तौर पे हैं, सेम मैं ममता बनर्जी को लेके कहूँगी कि वो बंगाल की शेरनी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। देखिए, आपने जैसे कहा कि वो बंगाल की शेरनी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव में जनता के आगे अपनी सही छवि करने के लिए ऐसा करें, क्योंकि उनके होते हुए वो कह रही है एक जगह कि मैं अलर्ट रहती हूँ, उनके अलर्ट होते हुए भी इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी हिंसा वहां पर छिड़ गई, तो वो क्या कर रही थी उस वक्त? क्या कह रही हूँ, उनको अपनी छवि के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त वो बीजेपी की छवि अपने आप को पहले बचा जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो एक हिटलर पंथी जो चल रही है उनकी, वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। एक चीज़ मुझे बताइए, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर हो गया, 84 के दंगों में ही बीजेपी वालों ने सारा सिस्टम खड़ा किया। एक चीज़ मुझे बताइए, अमित शाह जी और मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इनकी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ, ये दोनों तड़ी पार थे, इनका अस्तित्व क्या था? लेकिन ममता बनर्जी के राज्य में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी रामनवमी पर ऐसे ही वहाँ पर दंगे छिड़े। मैडम, सब त्योहारों पर ही काम होते हैं, मैम सब चीज़ें त्योहारों पर ही होती हैं, आगे पीछे क्यों नहीं होती? उस समय क्या बीजेपी सो रही होती है? ये करती त्योहारों पर, रमजान और ये सब सीजन दाएं बाएं में ये लोग करते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मुरादाबाद में जितनी दफ़े भी कुछ भी हुआ तब उतनी दफ़े भी इन लोगों ने सारा काम रमजानों के हेरफेर में करा। हनुमान जयंती पे ये लोग हथियार लेके खुल्लम खुल्ला निकलते हैं। देखिए, जैसे कि आप हथियार की बात कर रही हैं, पहले मेरा सुन लीजिए, जैसे आप हथियार की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में खुद वहाँ पर ही घर घर में बम बनाए जाते हैं, तो वो कैसे हथियारों से डर रहे हैं? एक मिनट, आपने देखा जाके, आपने कोई लाइव वीडियो देखी? मालदा आपने सुना होगा, अगर आप बंगाल की इंफॉर्मेशन रखती है, मालदा में हर घर में बम बनाए जाते हैं जिसमें खुद वहाँ के लोग भी ब्लास्ट में। एक चीज मुझे बताइए, इस समय दाऊद पूरा सपोर्ट करता है बीजेपी को 34% फंडिंग के साथ। बीजेपी जो देश के लिए कर रहा है ना, कोई माइक लाल नहीं कर सकता है। केजरीवाल जैसे बीजेपी बीजेपी जो कर रहा है, हिंदुस्तान और हिंदू के लिए जो बीजेपी कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। अगर स्वाभिमान से जीना है तो सिर्फ बीजेपी को वोट करना है, बाकी सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मतलब सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। बीजेपी ही ऐसा है जो हिंदुस्तान को बचा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ था न होगा, यही हमें 2024 में यही प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान का हिंदू जनता जो है जान चुका है कि देश के हित में कौन है। केजरीवाल जैसे नहीं चाहिए, ममता जी जैसा नहीं चाहिए, जो केवल हिंदुओं को मारने और काटने काम करते हैं। आज हमारा भव्य त्यौहार था रामनवमी का, क्यों ऐसा हुआ? कोई सब पार्टी के मुंह में दही जम गया है, कोई नहीं कुछ बोल रहा है विपक्ष।
और बीजेपी है ऐसा जो अपना सेना लगा के उसको रक्षा कर रहा है हिंदुत्व का, केवल कहने के लिए तो कोई कुछ कह दे, बंगाल के जनता को ढाला हुआ है। इसलिए कि ममता जी दीदी तुष्टि का राजनीति करता है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुस्लिम एरिया से वो जुलूस नहीं निकाले। क्या हिंदुस्तान में कोई एरिया होता है कि ये हिंदू के एरिया है, ये मुसलमान के एरिया है? पूरा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी का है, यहाँ पे कोई एरिया वाइज नहीं होता है। ये नहीं पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है, ये तो पूरा हिंदुस्तान है, कहीं से जा सकता है। आज मुस्लिम का जुलूस निकलता तो हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे जब जुलूस निकलता है तो उसमें पत्थर चलता है, उस पर मांस, जो मांस को हम देख नहीं सकते वो मांस फेंका जाता है। इसका कौन है? ममता जी दीदी जैसा, केजरीवाल दीदी जैसा आदमी है इसके पीछे, यही तो कर रहा है। आज दिल्ली में हर मस्जिद में, हर मदरसे में मौलवियों का तनख्वाह है, क्या किसी मंदिर में तनख्वाह है, सैलरी है? एक भी रुपया पंडित को मिलता है? अगर पब्लिक ने दे तो भूखे मर जाएंगे, यही तो है यहाँ पे। जिस तरीके से आप बिहार की अगर हम बात करें, वो सीधा सीधा बिहार को भी टारगेट कर रहे हैं बीजेपी के साथ। वो यही बोल रही हैं कि जो बीजेपी वाले ने जो गुंडे मंगाए थे वो बिहार से आए थे, यानी कि बिहार में गुंडे रहते हैं? नहीं नहीं, बिहार में कभी भी गुंडा नहीं रहते हैं। बिहार तो पूरा दुनिया को सभ्यता दिया है आप कह के पुकारने को, नहीं तो अदर में देखिए वो तुम ताम करके बात करते अपने बाप से भी, लेकिन बिहार के लोग ऐसा है जो अपने पिता से, अपने छोटे भाई से आप करके, सभ्यता तो बिहार दिया है, बिहार में कभी गुंडे नहीं पैदा होता है। हाँ, लालू जैसे आदमी गुंडा को पैदा करता है, उनका बेटा जो है उन्होंने अभी दंगा करवा रहा है, देखिए। तो अभी बिल्कुल बिहार में गुंडा पैदा नहीं होता, फिर आपने कहा है जो आपने फिर कह रहे हो लालू जैसा आदमी, ये कौन सी राजनीति की बातें कर रहे हो आप? पहले बताओ, ये दोगली राजनीति वाला बात नहीं करते हो आप, बीच में बोल रहे हो। पब्लिक है, आपने सत्य बताया करो आप, सच्चाई। आपने अभी बंगाल के बारे में गलत बोला, ममता के बारे में गलत बोला, क्या जानते हो आपने ममता के बारे में? बिल्कुल सब कुछ बोल रहा हूँ, आप जो बोलते आप कहा कर रहे हो, आप क्या जानते हो उसके बारे में आप बताइए। एक सेकेंड, हिंदुस्तान में भाई साहब मोहल्ला बढ़ते, हिंदुस्तान स्कूल में पढ़े, हिंदुस्तान में मोहल्ला बटा हुआ है, हिंदुस्तान में मोहल्ला बटा हुआ है, हिंदुस्तान में मोहल्ला बटा हुआ है। बनर्जी के राज में जनता सुखी है, नहीं तो क्यों, तो उनकी ये दोबारा इतनी 102 सीटें कम क्यों आई? घर में 10 परिवार होते हैं, 10 सदस्य होते हैं और एक मालिक होता है। जब एक मालिक उस 10 सदस्य को खुश नहीं कर सकते हैं तो इतनी बड़ी जनता को, सबको एक तरफ से कोई नहीं खुश कर सकता है। रही बात बदमाश की, एक बाप का 4 औलाद होता है, कोई मास्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बदमाश, तो बदमाश या कुछ भी हो, हम राजनीति पे नहीं जा रहे हैं, वो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। और हिंदू मुस्लिम वाली बात जो है, हमें परमात्मा ने अपनी शक्ल दे के भेजा, हम एक ही रास्ते से आए हैं, जाना भी एक ही रास्ते से है। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, लेकिन चीज तो एक ही है, चाहे पानी कहो, चाहे वाटर कहो, चाहे अब्बा कहो, चाहे डैडी कहो, चीज एक ही है, तो परमात्मा एक ही है, उसी के औलाद हम हैं, बस हमारा सोच में फर्क है। ऐसा है, अपोजिट पार्टी वाले ज़्यादातर इस चीज़ को मुद्दा बना के शायद मिलजुल के दंगे कराते हैं और नाम ले देते हैं अपोजिट पार्टी वाले, लेकिन होता वही है, घूम पे सब कुछ बम कर दिया, वो बम गोले फेंक दिए, ये सब कहाँ से आएगा अचानक? ये सूझे सोचे समझे साजिश हो सकती है ना अपोजिट पार्टी वालों की। अगर जिसकी सरकार नहीं है वहाँ पे वो भी कर सकता है, और जिसकी सरकार है अपोजिट वाले ही कर सकते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तभी दंगे होते हैं, उससे पहले तो कुछ होता नहीं है। ऐसा क्या है? तो अपोजिट पार्टी वाले ना एक मुद्दा बना के अपना माहौल बनाते हैं और करते हैं और नाम ले लेते हैं कि बीजेपी वाले हैं या फलां पार्टी वाले, वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इनको बदनाम करने में रखी हुई। ममता दीदी तो मारपीट के दंगे फसाद करवा सकते और इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते, लेकिन वो दंगे फैलाने का आरोप भी बीजेपी पर लगा रही है। ये गलत बात है, बीजेपी वहाँ पे था, बीजेपी नहीं था वहाँ पे। चोट लगी थी इलेक्शन हुए, इलेक्शन में उसके पैर में चोट भी ठीक हो गई, जब हम इलेक्शन हुए थे पैर में चोट लगी थी, जब उसका जनकी मेरा एक्सीडेंट हुआ है पैर में चोट लगी थी, जिसमें इलेक्शन रिजल्ट आया और अगले दिन उसका पैर भी ठीक हो गया। ये क्या राजनीति से, ये राजनीति नहीं और क्या है ये? और जिस तरीके से ममता अब आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी रामनवमी पर वहाँ पे इससे भी बड़ी हिंसा छिड़ी थी। जी हाँ जी, हुई है, बट अब जब मोदी जी इतने आ गए, इतने फ्रंट लाइन में आ गए हैं, तो ये चीज़ें ना हर विपक्षी सब प्रभाव करते ही करते हैं, तो वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बनारस वाला मंदिर हो
या कोई भी पॉइंट हो तो वो हर पॉइंट पे ना सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस करते हैं। तो चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, तो उनको सिर्फ फोकस वही रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में एक महासभा हुई है उसमें सारे विपक्ष एकजुट हो गए थे तो ममता बनर्जी भी शामिल थी उसमें, तो ममता बनर्जी अपनी की एक गलती में, क्योंकि उनके सामने मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, उनके सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है और वो जिम्मेदार किसी और को ठहरा रही हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, वो जो जिसको बोलना है बोलते रहे, बट जो सच है वो सच है, वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपने कहा स्टार्टिंग में कि मैं बीजेपी भक्त हूँ, तो अगर मैं बीजेपी का सवाल आपसे एक और करना चाहूँगी, ममता ने अपने बयान में ये भी कहा है कि बीजेपी वाले राम नाम को बदनाम कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, तो वो तो मंदिर भी बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं मोदी जी, और आगे से आगे हिंदुज़म को वो फ्रंट लाइन पे रखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बदनाम कर रहे हैं। ये एक तरीका होता है चीज़ों को फ्रंट लाइन पे लाने का और चीज़ों को बढ़ाने का, हिंदुओं को इकट्ठा करने का, ये चीज़ एक तरीका है। जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया कि ममता कह रही हैं राम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी, लेकिन क्या आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगता चुनाव के लिए ममता यहाँ पर बीजेपी को बदनाम कर रही है? वो सिर्फ अपनी हेडलाइन बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है, जो है सो है बस। इन सब के बाद भी जिस तरीके से ममता और साथी जो दूसरे विपक्षी हैं बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद जो चुनाव आने वाले लोकसभा वो बीजेपी के लिए थोड़े मुश्किल भरे होने वाले हैं, या इन चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ेगा बीजेपी? कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जीतेगी बीजेपी, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो राहुल गांधी अपनी रैली निकाले या कुछ भी निकाले, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।